और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि क्या वो ए पी फॉर्म कर रही है या नहीं अगर वो ए पी फॉर्म कर रही है देन हमें उनका कॉमन डिफरेंस और थ्री मोर टर्म्स लिखनी है सी हाउ जैसे कि सेकेंड सीक्वेंस हमारे पास है टू फाइव बाई टू थ्री सेवन बाई टू अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये ए पी है या नहीं कैसे चेक करेंगे देखो ए पी क्या होती है देखो अगर सक्सेसिवली एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है तो इन दैट केस वो जो सीक्वेंस होती है वो ए पी फॉर्म करती है राइट right? सो so, हम क्या करेंगे टर्म्स का कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे राइट फर्स्ट ऑफ ऑल हम d1 से डिनोट करेंगे फर्स्ट टू टर्म्स के डिफरेंस को इसे हम कैलकुलेट करेंगे a2 टू माइनस ए वन में ये a1, a2, a3, a4 थ्री ए फोर ऐसे आप लिख सकते हो तो d1 है फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस दैट इज a2 टू माइनस ए क्या है हमारे पास फाइव बाय टू माइनस ए वन क्या है टू अब इसे सॉल्व करेंगे एल्सियम लेने के लिए हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर सेम करते हैं राइट right? इसके डिनोमिनेटर में टू है तो इसके डिनोमिनेटर में भी टू चाहिए हमें नीचे टू लगा रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी टू को मल्टीप्लाई करना होगा ठीक है तो अब हमारे पास क्या आ गया फाइव बाई टू एज इट इज माइनस टू टू ज फोर बाय टू अब इसका एल्सियम लेना आसान हो गया नीचे एक बार टू आ जाएगा फाइव माइनस फोर फाइव माइनस फोर

तो अगेन वन बाय टू आ रहा है अब एट लास्ट हमें ये वाली दो टर्म्स बची अब इन दोनों का डिफरेंस भी लेना होगा इसे हम डिनोट करते हैं d3 के साथ a4 फोर माइनस ए थ्री टू सेवन बाई टू माइनस थ्री अगेन इसके नीचे टू है इसके नीचे भी टू चाहिए हमें नीचे टू लगा रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा राइट इक्वल्स टू सेवन बाई टू माइनस थ्री टू जिक्स बाय टू तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में टू सेवन माइनस सिक्स वन तो जो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है सेम आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d1 वन इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू डी से इक्वल्स टू कितना है वन बाई टू कंजक्टिव टर्म्स में डिफरेंस सेम आ रहा है सो दैट्स वाइज ये क्या फॉर्म कर रही है एक एपी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन सीरीज फॉर्म एंड ए यहां तक क्लियर है देखो ये यहां तक हो गया हमारा ठीक है ये हमने चेक कर लिया कि यस ये ए पी है इफ़ दे फॉर्म एन ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी कॉमन डिफरेंस क्या है डी वो तो हमने चेक करते करते ही बता दिया डी कितना है वन बाई टू थर्डली क्या पूछा है एंड राइट थ्री मोर टर्म्स थ्री मोर टर्म्स लिखना है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर तो है थ्री मोर टर्म्स मतलब हमें ए फाइव लिखना है ए सिक्स लिखना है और ए सेवन लिखना है राइट right? तो अब ये तीन तीन टर्म्स हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ए वन को हम कैसे लिख सकते हैं ए वन ए के इक्वल होती है सिमिलरली ए टू ए प्लस डी के इक्वल होती है ए थ्री हमारे पास ए प्लस टू डी के इक्वल होती है ए फोर हमारे पास ए प्लस थ्री डी के इक्वल होती है यहाँ तक तो हमें गिवन है राइट हमें आगे की फाइंड करनी है ए फाइव हमारे पास ए प्लस फोर डी होती है ए सिक्स ए प्लस फाइव डी के इक्वल होता है और ए सेवन टू ए प्लस अब इस सीक्वेंस को देखकर अगर आप एक चीज नोटिस करो तो यहाँ भी क्या हो रहा है अगर यहाँ पर सेवन है तो यहाँ पर सिक्स है सिक्स है यहाँ पे फाइव है फाइव है यहाँ पर फोर है मतलब इससे एक कम है यहाँ डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा राइट तो यहां से हमारा जनरल फार्मूला भी आता है ए एन के लिए ए एन के लिए एक फॉर्मूला आता है जो कि होता है ए एन एक प्लस एन माइनस वन इन टू डी अगर यहाँ पर एन है तो यहाँ पर एन माइनस वन है अगर यहाँ पर सेवन है तो यहाँ पर सेवन माइनस वन दैट इज सिक्स है राइट right? तो ये वाला एक फॉर्मूला बन के आता है देखो ये सारा तो आपको समझाने के लिए है ओके okay? हर क्वेश्चन में ये नहीं समझाऊंगी हर क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे हम एक में आप समझ लो कि इस तरह से ये फॉर्मूला निकल के आता है ठीक है तो अब हमें फाइंड क्या करना है ए फाइव ए सिक्स ए सेवन राइट ये तीनों फाइंड करने हैं तो हम डायरेक्ट ये सारा कि ये बिना भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूज ए फाइव है तो यहां से ये अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पर ए फाइव है तो यहां पर क्या होगा ए प्लस फाइव माइनस वन दैट इज फोर डी राइट इक्वल टू अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है देखो ए क्या होता है ए इज फर्स्ट टर्म तो इस ए पी की फर्स्ट टर्म कौन सी है टू राइट फर्स्ट टर्म क्या है टू right? तो यहां पर ए की वैल्यू टू पुट करेंगे प्लस फोर इंटू डी की वैल्यू कि, कितनी कैलकुलेट करी है हमने वन बाय टू तो यहां पर वन बाय टू पुट करेंगे अब जो कैंसिल होता है इसे कैंसिल कर देंगे टू वन जा टू 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 ज फोर हमारे पास क्या बचा टू प्लस टू वन ज टू टू प्लस टू फोर गॉट इट ए फाइव की वैल्यू आ गई हमारे पास यहां पर हम लिख सकते हैं ए फाइव इक्वल टू फोर सिमिलरली ए सिक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अब फिर से इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो ए सिक्स किसके इक्वल होगा ए प्लस सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव डी इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है टू है ना टू प्लस फाइव इन डी की वैल्यू कितनी है देखो आप ब्रैकेट भी डाल सकते हो आप मल्टीप्लाई भी डाल सकते हो बिकॉज जो फाइव है वो डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है जैसे यहाँ पर फोर डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो अब डी की वैल्यू कितनी है अगेन पुट करेंगे अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है फाइव टू के साथ कैंसिल नहीं हो सकता ना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे इसके डिवाइड में क्या है टू इसके डिवाइड में भी क्या चाहिए हमें टू नीचे टू लगा, लगा रहे हैं तो ऊपर भी लगाना होगा टू टू जा फोर बाय टू प्लस फाइव वन जा फाइव बाई टू इक्वल्स टू फोर प्लस फाइव नाइन ओवर नीचे एक बार टू आ जाएगा राइट तो ये आ गई हमारे पास ए सिक्स की वैल्यू नाइन बाय टू अब लास्ट और थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है ए सेवन इस फॉर्मूले को अगेन ऑब्जर्व करो यहाँ हमारे पास क्या आएगा ए प्लस एन माइनस वन दैट इज सेवन माइनस वन कितना आएगा सिक्स डी अगेन वैल्यूज पुट कर दो ए की वैल्यू टू है प्लस सिक्स इन टू डी की वैल्यू कितनी है वन बाई टू अब यहाँ पर कैंसल हो रहा है टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स तो हमारे पास क्या बचा टू प्लस थ्री वन जा थ्री इक्वल्स टू फाइव तो हमारे पास ए सेवन की वैल्यू कितनी आ रही है फाइव तो देखो जो हमें थ्री मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी थी वो कौन सी थी ए फाइव दैट इज फोर a 6 that is 9 by 2 a 7 that is 5 so there are three more terms